अब खबरें विस्तार से। हमीरपुर जिला के बोल्स उपमंडल में ग्राम पंचायत टिकरी मिन्हासा में सालों से हुए भ्रष्टाचार पर आज दिन तक कोई कार्रवाई नहीं किए जाने पर पूर्व सैनिक कैप्टन रोशन लाल ने गहरा रोष व्यक्त किया है। हालांकि पूर्व सैनिक के द्वारा ग्राम पंचायत में जाली मस्टरोल निकालकर काम करवाने की पुष्टि RTI के माध्यम से हो चुकी है। वही पंचायत में हुए भ्रष्टाचार की शिकायत DC से लेकर विजिलेंस और मनरेगा लोकपाल तक की गई है, लेकिन फिर भी इस मामले में शामिल ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। प्रदेश सरकार के जनमंच कार्यक्रम में भी भ्रष्टाचार की शिकायत करने पर मायूसी ही हाथ लगी है। हमीरपुर जिला के भोरज उपमंडल में ग्राम पंचायत टिकरी मिन्हासा में सालों से हुए भ्रष्टाचार पर आज दिन तक कार्रवाई नहीं किए जाने पर पूर्व सैनिक कैप्टन रोशन लाल चांगरा ने गहरा रोष व्यक्त किया है। हालांकि पूर्व सैनिक के द्वारा ग्राम पंचायत में जाली मस्टरोल निकालकर काम करवाने की पुष्टि RTI के माध्यम से हो चुकी है। वहीं पंचायत में हुए भ्रष्टाचार की शिकायत DC से लेकर विजिलेंस और मनरेगा लोकपाल तक की है, लेकिन फिर भी इस मामले में शामिल ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। प्रदेश सरकार के जनमंच कार्यक्रम में भी भ्रष्टाचार की शिकायत करने पर मायूसी ही हाथ लगी है। आपको बता दें कि ग्राम पंचायत टिकरी मिन्हासा में साल 2013 में ग्राम पंचायत के कामों में हुए धांधली पर ग्रामीणों ने सवाल उठाए थे और इसी बाबत पंचायत प्रतिनिधियों की शिकायत उस समय की BDO से की थी, लेकिन इस बाबत मात्र आज दिन तक औपचारिकताएं ही निभाई गई हैं। वहीं भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पूर्व सैनिक रोशन लाल चांगरा सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटकर थक चुके हैं, लेकिन पंचायत प्रतिनिधियों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अब रोशन लाल ने हमीरपुर उपायुक्त हरकेश मीणा के पास भी शिकायत पत्र सौंपकर कार्रवाई करने की गुहार लगाई है। कैप्टन रोशन लाल चांगरा का कहना है कि ग्राम पंचायत में जाली मस्टरों निकालकर काम करवाया गया है और कई कामों में लाखों रुपए का गोलमाल हुआ है। उन्होंने बताया कि भ्रष्टाचार के मामले में शामिल होने के बावजूद भी उसमें बार सदस्य रह चुके प्रतिनिधि आज के समय में पंचायत में बतौर उपप्रधान सेवाएं दे रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। कैप्टन रोशनलाल का कहना है कि साल 2018 में वार्ड नंबर में सड़क के काम में भी काफी धांधलियां हुई हैं और कामकाज के लिए कमेटी सदस्य भी बनाया हुआ था, लेकिन बिना हस्ताक्षर किए ही मजदूरों को पेमेंट कर दी गई है, जिस पर RTI लेने के बाद सारा सच सामने आया है, जिसमें जाली हस्ताक्षर करवा कर ही लोगों को पेमेंट दी गई थी, जिसकी शिकायत BDO से जनमंच कार्यक्रम में भी की गई है, लेकिन BDO द्वारा हर बार आधी अधूरी रिपोर्ट देकर मामले को लटकाया जा रहा है। और उन्होंने भी मेरे द्वारा ये रिपोर्ट की गई थी कि उप प्रधान पवन कुमार ग्राम पंचायत टिकरी मिन्हासा, उनके सगे भाई रमन कुमार की जाली 12 मस्टॉल जाली हाजिर बनाई गई, इसकी रिपोर्ट बक्शीराम द्वारा या मेरे द्वारा BDO भोज को दी गई। BDO भोज ने इसके पक्ष में एक जांच पड़ताल की कमेटी बिठाई और इसकी रिपोर्ट 30/10/2015 को अपने DPO जिला पंचायत अधिकारी हमीरपुर को दे दी। जिलाधिकारी हमीरपुर ने उस रिपोर्ट से इनको पंचायत वाले को सभी को दोषी ठहराया गया और जिलाधिकारी ने उसको उप प्रधान पवन कुमार व वर्तमान उप प्रधान पवन कुमार व पूर्व प्रधान रेणुका देवी पंचायत के भ्रासा को एक नोटिस जारी किया, कारण बताओ एक नोटिस जारी किया और इनको दोषी ठहराया गया। इन्होंने हारन फारन में बिना हायर अथॉरिटी और बिना किसी की डायरेक्शन से 12,295 रुपये ग्राम पंचायत टिकरी मिन्हासा में सचिव जो सरला देवी के पास चुपचाप जमा करा दिए। तो पैसे तो जमा करवा दिए, वो भी आधे कराए, वो पैसे तब जमा कराए जब उसकी छानबीन हुई है, पहले नहीं कराई है। उसके पश्चात जब इसकी कार्रवाई चली इसके ऊपर कोई, और उसके बाद ये बिल्कुल दोषी ठहराए गए हैं और उसके बाद विभाग ने भी और पंचायती राज एक्ट अधिनियम 1994 के तहत कोई कार्रवाई अमल में नहीं जाएगी। उसके पश्चात मेरे द्वारा व श्री विजय कुमार निवासी खतरवाड़, श्री ब्रिजलाल निवासी खतरवाड़, श्री धर्म सिंह निवासी पंचायत टिकरी मिन्हासा, ऑलरेडी कैप्टन कमलदीप शर्मा ग्राम लदेड़ा के हमारे द्वारा उच्च न्यायालय और माननीय मुख्याधीश को एक हमने शिकायत पत्र दिया। उच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश ने उस शिकायत पत्र को लोकपाल मिलेगा हमीरपुर को भेजा गया और बोला कि इसके बारे में उच्च कार्रवाई की जाए। 15/2/2018 को लोकपाल जी ने हमारे को बुलाया गया और पूरी छानबान की, उसके बाद पंचायत टिकरी को दोषी पाया गया। उसके बाद कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। फिर जब उसके बाद मैं BDO के पास गया, BDO बोल ने बोला है कि ये मेरा काम नहीं है, ये जिला पंचायत जो अधिकारी है DPO साहब इसके ऊपर एक्शन लेंगे। जब मैं DPO साहब के पास आया तो उन्होंने कहा कि हमने इसका मार्गदर्शन के लिए पंचायती राज विभाग को भेजा हुआ, लेकिन अभी तक उसका कोई अमल नहीं हुआ है। वार्ड नंबर 4 पंचायत टिकरी मिन्हासा में
सड़क का काम शुरू हुआ, जिसमें पंचायत के प्रतिनिधि आए, गांव के आदमी इकट्ठे हुए और उन्होंने मेरा भी नाम कमेटी में डाल दिया, जबकि मैं इनकार कर रहा था और बोला कि पूरे काम की देख रेख आप ही करेंगे और कोई भी दस्तावेज के साइन होंगे आपके मान्य होंगे, बाकी किसके मान्य नहीं होंगे। मैंने पूरा बजरी रेता सीमेंट हाजरी पूरे दिन बाहर रहता था, कभी मैं जाता था तो भी बिता के जाता था। जब बाद में मेरे पास जिन्होंने बजरी दिया, रेता दिया, पत्थर दिया, फिर सूबेदार साहब रोशनदास जी चागरा साहब हमें पैसे चाहिए, हमने काम करवाया। मैं कहा जी अभी मैं उसके बाद आर के वर्मा जो जे ब्लॉक भोज खड़ के थे उनसे रिक्वेस्ट की कि जिन्होंने काम किया है काम हो गया उनको पैसे वापस करो। मैं सर अभी करा देते हैं, अभी मेरा ऑडिट था। जब लोगों को पैसे मिल गए लेकिन मेरे कोई मेरे साइन नहीं हुए, जब मेरे साइन नहीं हुए और जिन्होंने काम किया था लेबर ने, मैं उनके पास गया, अंकल जी हमारे तो पैसे मिल गए एंट्री हो गई है। तो फिर देखा बेटी मेरे गए, तब मैंने आरटीआई ली और जो अब आरटीआई ली मैंने वीडियो को मोहते को इसके रिपोर्ट दी और वीडियो मोहते ने पीआई को इसका जांच का अधिकारी बनाया गया। मैं काफी इसके बारे में भागदौड़ी की और उसके बाद भी उन्होंने रिपोर्ट आधी अधूरी और अनकम्प्लीटेड एंड फॉरवर्ड टू डीपीओ। जब डीपीओ पास के पास आया मैं सर बोला भी ऐसे है कि ये जो आपकी रिपोर्ट है दूरी है इसमें कमियां पाएगी और उन्होंने फिर वापस विकास खंड भोज को वापस कर दिया। उसके बाद फिर मैं वहां गया तो उसके बाद 16 जून को जनमंच कार्यक्रम एट ब्रॉड स्कूल राज्य स्कूल में हुआ, जहां पर मैं बैठा हुआ था तो मेरे पास वीडियो मोदिया विकास खंड भोरज कीर्ति चंदेल जी आ गए, जबकि एक भोज के अधिकारी ब्लॉक के बाहर वहां बैठे हुए थे। फिर मैं पूछा हाँ सर कैप्टन साहब ये आपने दे दी रिपोर्ट, मैंने कुछ नहीं बोला और खड़े होकर उनका इज्जत किया मान किया। बोले नहीं आप बात दो मैं आपका काम कर दो, मैं सर ये आपका इट इज नॉट माय पर्सनल, ये पब्लिक का है क्या, ये भ्रष्टाचार फैल रहा है और मैं आपको इसके बारे में जागरण करा रहा हूँ, आपको जानकारी दे रहा हूँ। बोले उसके बाद मैं डीपीओ जो कि हमारे डीपीओ रमेश कपूर जी हैं मोदी जी हैं उन्हें बोला भी आपकी रिपोर्ट तो आई है लेकिन अधूरी है और इसमें कमियां पाई गई है और ये मैंने दोबारा भेजी है। तो अभी उसका खोजा और मैं इसको बार बार डीपीओ जो पंचायत अधिकारी आ रहे उनके कार्यालय में मैं हार गया। 2018 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध हमारी कई योजना चलाई है, हमारे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी क्या बोलते हैं और ये राजनीति का दबाव है। तो भला यह है कि इसमें इसमें थोड़ा सुधार होना चाहिए और इनको दोषियों को सजा मिलना चाहिए ताकि ये क्योंकि ये गलत संदेश जा रहा है और ये समाज में जा रहा है ताकि लोगों को पता चले कि भ्रष्टाचार को भी सजा मिलती है। मैंने 18 तारीख को अपने जिला अध्यक्ष मोदी जी हैं आज मैंने एप्लीकेशन इसकी दी है लेकिन अभी तो शायद इसके ऊपर कार्रवाई हो रही है, लेकिन हमारा ये है कि जो छानबीन है वो बिल्कुल ठीक हो जाए, स्वतंत्र होने चाहिए ताकि पता लगना चाहिए कि भ्रष्टाचारियों को भी सजा मिलती है ताकि अपने समाज में कोई गलत संदेश आना चाहिए।